गली में खड़े थे तो तकरीबन 7-8 बंदे आए हैं, तो उन्होंने फायरिंग करते ही हुए आए हैं, सीधी सीधी सीधे फायर किए उन्होंने इन लोगों ने। तो जिनमें से 3 लोग हैं, उसामा है, एक बॉबी गुजर है और एक नोमी गुजर है। ये 3 लोग फ्रंट पे थे, ठीक है। बाकी जो बैक पे थे उनकी शनाख्त भी कर लेंगे जब वो सामने आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसामा ने जो पहला फायर किया है वो मेरे लगा ही है पेट में। पेट में भी आपकी गोली लगी? जी, पेट में भी लगी है। अच्छा जी। और दूसरा फायर जो किया नोमी गुजर ने, वो मुझे ललकार के उसने किया है, मुझे गालियाँ दे रहा था कि तुम पीछे हट जाओ। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस मतलब? मैं उस वक्त खड़ा हुआ था, खड़े थे गली में। आप इधर इसी मोहल्ले में? जी जी, मैं इधर रहता हूँ। मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, बीच बचाव करना चाह रहे थे, छुड़वाना? लोगों को मना कर रहा हूँ कि ना करो, ताल्लुक देख लो क्या ताल्लुक है, आप लोग गली में ही आ गए हो, गली में फायर करते हुए आ गए हो। तो उसने नोमी गुजर ने मुझे बोला तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें भी मार दूंगा, एक और मार दूंगा। इतने में उसने फायर किया जो मेरी टांग में लगा नोमी गुजर ने। ठीक है, तो फिर आप जख्मी होकर गिर गए? जी, मैं जख्मी होकर फिर मैं साइड पे हो गया हूँ। फिर उन्होंने तीसरा फायर किया जो वारिस के लगा, वो बॉबी गुजर ने स्ट्रेट किया फायर, ये तैबू पे किया फायर, जो लकीली बच गए हैं वो, तो वो वारिस को लग गया टांग में। ठीक है। अच्छा, आपके पेट में भी गोली लगी, फिर तो आपकी बड़ी क्रिटिकल होगी पोजीशन। तो जख्मी जब आप हुए, फिर आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। जी जी। पुलिस मौके पे पहुंची, उन्होंने आपका बयान लिया। क्या बयान दिया आपने? यही जो जिन लोगों ने फायर किया उनका ही नाम लिया था मैंने। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये आए थे, झगड़ा किस बात पे करने आए, क्या कहते थे, क्या ललकारते थे? ये गालियाँ देते हुए आए हैं, इनमें से एक जिसको सजा हुई है, जिसने आशीष चाचू को कत्ल किया था उसको सजा हुई है, उसी दिन उसको सजा हुई है, तो इन्होंने 12 घंटे नहीं निकाले, तो इन्होंने आके घर पे फायरिंग कर दी है। बिल्कुल स्ट्रेट घर पे आए हैं ये। ठीक है, रोड से फायरिंग करते हुए आए हैं ये। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये भाई को दीजिएगा। आपका नाम वारिस है? हाँ जी, वारिस। अच्छा वारिस, आप बताएं क्या हुआ था, आपको गोली कैसे लगी? हम वैसे यानी कि खड़े थे गली में, तो यानी कि वो फायरिंग करते आए हुए हैं, गालियाँ वगैरह भी देते आए हुए हैं, तो वो जो मेरे ताया अबू हैं ये यानी कि इसके पास यानी कि वो आए हैं मारने के लिए, कोशिश कर रहे थे इनको, तो मैं पीछे खड़ा था, लेकिन वो फायरिंग कर रहे थे, तो मैंने ना यानी कि यही सोचा कि ये यानी कि कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए। तो 7-8 बंदे थे, जो वो 3 बंदे थे, एक उसामा था और नोमी गुजर था और बॉबी गुजर था, ये तीनों थे जिन्होंने फायर स्टार्ट किए हैं। पहला फायर वसीम को लगा है पेट में, जो दूसरा फायर लगा है वो उसकी यानी कि वो लगा है उधर अपना टांग में। ठीक है, तो फिर जो यानी कि मैं आगे ही हुआ हूँ ना, तो ताया अबू को यानी कि वो मार रहे थे, मुझे यानी कि डर लग रहा था कि ये ना कहीं कोई और नुकसान ना कर दें, तो यानी कि इससे जैसे लगा है मैं आगे गया हूँ कि चलो शायद कोई यानी कि मेरी वजह से कोई बच बचा हो जाए, मैंने बोला यार ना करो, तो ऐसे ही यानी कि उन्होंने मुझे ही मार दिया पीछे से। तायाबू को मारा तायाबू को है, लेकिन स्टेट मुझे यानी कि लगा है टांग पे। ठीक है, कितने लोग थे? मोटरसाइकिलों पे थे? पैदल ही आए हैं मोटरसाइकिलों पे जो आए हैं वो गली की नुक्कड़ पे मोटरसाइकिलें, उन्होंने बाइकें खड़ी की हैं, तो यानी कि जो गली में आए हैं वो पैदल ही आए हैं, गालियाँ वगैरह निकालते आए हैं, 7-8 बंदे थे। तो असला किस तरह का था, कितने लोगों के पास असला था? ये 3 बंदों के पास तो असला था, जो पीछे वाले थे उनके पास भी था, लेकिन वो यानी कि पहचाने नहीं गए हैं, लेकिन यानी कि ना भाई मुझे नहीं है कि अभी वो पहचान मैं नहीं सका। 3 बंदों को तो मैंने वैसे भी देखा हुआ है। ठीक है,